पाकिस्तान और चीन के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिकी सेना की सचिव का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया। क्रिस्टीन वॉमथ का यह बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल होने में देर नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अगर चीन से जंग हो गई तो अमेरिका की धरती पर भी बड़ा खतरा होगा। ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। अगर ताइवान पर चीन आगे बढ़ा तो अमेरिका और चीन की जंग तय मानी जा रही है। अमेरिका के लोगों को भी लग रहा है कि चीन के साथ जंग कभी भी छिड़ सकती है, इसीलिए वहां के टीवी चैनलों में इस मुद्दे पर डिबेट भी होने लगी है। ऐसे ही एक शो में पहुंची अमेरिकी सेना की सचिव क्रिस्टीन वॉमथ ने हैरान कर देने वाला बयान दे दिया। Clearly, if we got into a major war with China, the United States homeland would be at risk as well. क्रिस्टीन ने साफ कहा कि अमेरिका को इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिससे इस जंग को टाला जा सके, जिसका सीधा मतलब यह कि अमेरिकी सेना भी चीन के साथ बढ़ रहे तनाव पर बेहद गंभीर है और इस जंग के अलग अलग पहलुओं पर गंभीरता से सोचा जा रहा है। अमेरिका को लगता है कि अगर चीन के साथ जंग ताइवान में छिड़ी तो ताइवान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह जंग अमेरिका तक पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिका की पावर ग्रिड और वहां की पाइपलाइनों तक पर हमले की योजना बनाई हुई है। इतना ही नहीं, अगर जंग छिड़ी तो चीन बड़े पैमाने पर साइबर हमले भी करेगा। अमेरिका मानता है कि चीन को केवल मनोवैज्ञानिक दांव पेच से ही रोका जा सकता है। I think the best way we avoid fighting that war is by showing the PRC and countries in the region that we can actually win that war. लेकिन क्रिस्टीन के इस बयान ने दिखा दिया कि अमेरिका की सेना चीन की बढ़ती ताकत से बेहद घबराई हुई है। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इंदौर में खेला गया टेस्ट तीसरे दिन की सुबह ही खत्म हो गया और टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। चौथी पारी में महज 76 रन का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने केवल 1 विकेट खोकर यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। 4 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया अभी 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा टेस्ट 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि 24 घंटे में डोनेस्क के शहर बखमूत पर रूस का कब्जा हो जाएगा। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर में पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि रूस किसी भी हाल में डोनेस्क के इस शहर पर अधिकार करना चाहता है। इसके लिए वो टैंकों से गोले बरसाने के साथ साथ मिसाइलों से भी वार कर रहा है। ये शहर जीतना पुतिन के लिए इतना अहम है कि उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी यहाँ की जंग में उतार दिया। खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमूत में यूक्रेन की सेना को पस्त करने के लिए मोर्चा संभाल लिया और अब वो दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटे में बखमूत पर उनके लड़ाकों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि शहर में यूक्रेन के सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है, या तो सरेंडर करेंगे या फिर वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के हाथों मारे जाएंगे। येवगेनी प्रिगोजिन ने यह चेतावनी एक वीडियो जारी करके दी। उन्होंने दावा किया कि बखमूत में अब यूक्रेन के सैनिकों की संख्या इतनी कम हो गई है कि वो बच्चों और बुजुर्गों का सहारा लेने लगे हैं और उनके हाथों में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप से मुकाबला करने के लिए हथियार थमा रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में 2 लड़के और 1 बुजुर्ग आदमी वहां खड़े दिखाई दिए। प्रिगोजिन ने दावा किया कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। इन लोगों को दिखाते हुए प्रिगोजिन ने जेलेंस्की के सामने एक शर्त भी रख दी, जिसके मुताबिक अगर शहर में मौजूद यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें तो तीनों लोगों को यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। हालांकि जेलेंस्की प्रिगोजिन की इस शर्त के आगे झुकेंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की पहले ही हुंकार भर चुके हैं कि उनकी सेना बखमूत को हाथ से जाने नहीं देगी।